पाकिस्तान का ईरान के मिसाइल हमले का भरपूर जवाब। पाक फौज का ईरान में दहशतगर्दों की पनाहगाहों पर टारगेटेड हमला, मुतअद्दिद दहशतगर्द मारे गए। कार्रवाई में किसी शहरी या ईरानी तंसीबात को निशाना नहीं बनाया गया। हमलों में ड्रोन्स, रॉकेट, स्टैंड ऑफ हथियारों का इस्तेमाल किया गया। ऑपरेशन का कोड नेम मरबर सरमचार था। आईएसपीआर के मुताबिक ईरान में दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाई की गई। दहशतगर्दों में दोस्त उर्फ चेयरमैन, बजर उर्फ सोगत, ताहिल उर्फ शफक, असगर उर्फ बशाम और वजीर उर्फ वजी शामिल। बीएलए और बीएलएफ नामी दहशतगर्द तंजीमों के जरिए इस्तेमाल ठिकानों को कामयाबी से निशाना बनाया गया। आईएसपीआर के मुताबिक पाकिस्तानी आवाम की मदद से दुश्मनों को शिकस्त देने के लिए पुरअज़्म है। दोनों हमसाया बरादर ममालिक के दरमियान दो तरफा मसाइल के हल में बातचीत और तआवुन को समझदारी समझा जाता है। पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ किसी भी कार्रवाई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरान ने इंतहाई पेचीदा ऑपरेशन पाकिस्तान के मुसलह फौज की पेशावराना महारत का मुंह बोलता सबूत। तर्जमान दफ्तर खारिजा मुमताज ज़हरा बलोच का कहना है कि आज की कार्रवाई मुसद्दिका इत्तला'आत की रोशनी में की गई। हमें सूरत हाल को बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं। ईरान की जानब से फौरी कार्रवाई न करने पर जवाब इकदाम किया गया। पाकिस्तान ने आज सुबह ईरानी हदूद में कलदन तंजीमों को निशाना बनाया। ईरान में किसी सिविलियन या फौजी अहदाफ को निशाना नहीं बनाया गया। पाकिस्तान अपने आवाम के तहफ्फुज़ और सलामती के लिए हर मुमकिन इकदामात करता रहेगा। पाकिस्तान इस्लामी जम्हूरिया ईरान के खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का मुकम्मल एहतराम करता है। पाकिस्तान के खुद मुख्तारी और इलाकाई सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान के हमलों में मरने वाले ईरानी शहरी नहीं थे, ईरानी हुकाम और मीडिया ने तस्दीक कर दी। ईरानी न्यूज एजेंसी अरना के मुताबिक ईरान की सरजमीन पर पाकिस्तान ने ऑपरेशन किया है जिसमें 7 अफराद हलाक हुए हैं। डेप्टी गवर्नर जनरल सिस्तान अली रजा मरहमती का कहना है कि सरवान शहर की करीब सुबह 4:05 पर धमाकों की आवाज सुनी गई। इन धमाकों में हलाक होने वाले ईरान के शहरी नहीं थे। पाक ईरान सूरत हाल पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल 3 बजे तलब। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में आर्मी चीफ, नेवल और फजाया चीफ भी शरीक होंगे। पाक ईरान सरहदी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। मुल्की अमनो अमान की सूरत हाल समेत इंतखाबात से मुतालिक भी गौर होगा। बलोच शरपसंदों के खिलाफ ईरान में ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी जाएगी। निगरान वज़ीर आज़म ने दौरा दवास भी मुख्तसर कर दिया। अनवारुल हक काकड़ आज रात पाकिस्तान पहुंचेंगे। विफाकी काबिना का इजलास भी कल तलब किया गया। ईरान में पाकिस्तानी सफीर मदरसे टीपू वतन वापस पहुंच गए। बेटे से तनख्वाह न लेने पर मुझे इक्तदार से निकाला गया। 2017 में 5 जजेस ने 25 करोड़ अवाम के नुमाइंदे को फारिग कर दिया। बार बार वजारत उज़्मा से ना निकाला जाता तो पाकिस्तान का दुनिया में अहम मकाम होता। यहाँ कोई ऐसा शख्स ना होता जिसके पास रोजगार ना होता। नवाज शरीफ का हाफजाबाद में जलसा आम से खिताब, बोले मुझे जाली मुकदमों बार बार गिरफ्तार ना किया जाता तो सब पासपोर्ट की इज्जत होती। हमारी हुकूमत चल रही होती तो आज कोई नौजवान बेरोजगार ना होता, काश्तकार खुशहाल होता, मुल्क में महंगाई ना होती, घर घर रोशनी के चिराग जल रहे होते। हमने दहशतगर्दी का खात्मा किया। मेरा मिशन पाकिस्तान को अपने पाँव पर खड़ा करना है। 9 मई वाले लोग नहीं, 28 मई वाले लोग हैं। 9 मई वालों ने रियासत पर हमला किया, पाकिस्तान को उजाड़ने की मजमूम कोशिश की। मरियम नवाज का हाफिजाबाद में कारकुनान से खिताब, कहती हैं जिस शख्स ने मुल्क को एटमी ताकत बनाया वो इस कुर्सी पर बैठा है, इस तारीख को उजाड़ने वालों की है। नवाज शरीफ ने 3 साल में मुल्क से लोड शेडिंग का खात्मा किया। मेरा साथ दें, मुल्क की किस्मत बदल दूंगा। बेरोजगारी का खात्मा, आवाम को मुफ्त इलाज की सहूलत पहुंचाऊंगा। अपना वोट जाया ना करें, सिर्फ तीर पर मोहर लगाएं। बिलावल भुट्टो जरदारी का नौशहर फिरोज में जलसे से खिताब, कहा मैंने आवाम के साथ असनिकाती मुआशी वादा किया है। मैंने दुनिया का सबसे बड़ा घर बनाने का मनसूबा शुरू किया। इलेक्शन जीत कर सिंध के हर डिस्ट्रिक्ट में यूनिवर्सिटी कायम करेंगे। गरीब तरीन खातिन को बिला सूद कर्ज देंगे। इलेक्शन में मुकाबला तीर और शेर के दरमियान है। आपने पीपल्स पार्टी को भारी अक्सरियत से जितवाना है। दूसरी सियासी जमातें जाती अना और दुश्मनियों की वजह से इलेक्शन लड़ रही हैं। मैं आवाम के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूं।
बैरिस्टर गोहर का हफ्ते से भरपूर इंतखाबी मुहिम शुरू करने का ऐलान, कहा आज हतमी फहरिस्तें अपलोड कर दी जाएंगी। इंशाल्लाह 8 फरवरी को फतह पीटीआई की होगी। बानी पीटीआई के कागजात मुस्तरद करना गैर कानूनी और गैर आईनी है। कागजात मुस्तरद होने के बावजूद अदलिया पर एतमाद है। कोशिश थी कि हमारा आम सा निशान हो, वोटर्स कंफ्यूज ना हो। तहरीके इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गोहर की इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात, आम इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतल्लिक अपने तहफुजात का इजहार किया। रावलपिंडी के अडियाला जेल में सैफर केस की समाअत, आजम खान समेत 5 गवाहों के बयान कलमबंद। आजम खान ने बयान दिया, फॉरन सेक्रेटरी ने कॉल करके सैफर टेलीग्राम का बताया। साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने साबिक वजीर आजम को आगाह किया, मार्च में मेरे स्टाफ ने मुझे सैफर की कॉपी दी, मैं अगले रोज सैफर की कॉपी साबिक वजीर आजम के पास लेकर गया, जो उन्होंने रख ली। बाद में कहा सैफर की कॉपी गुम हो गई, सैफर की मास्टर कॉपी वजारत खारजा के पास मौजूद है। साइफर के हवाले से बनीगाला में मीटिंग हुई, मीटिंग में साइफर को विफाकी काबीना के सामने रखने का फैसला किया गया। काबीना इजलास में साइफर का मामला नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सामने रखने का फैसला किया गया। मेरे चार्ज छोड़ने तक साइफर की कॉपी वापस नहीं भिजवाई गई। £190 मिलियन और तोशाखाना नैप केसेस, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बानी पीटीआई के नैप केस में जेल ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तें काबिले समाअत करार दे दी। बानी पीटीआई के जेल ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर फरकैन और सेक्रेटरी दाखला को नोटिस जारी। अदालत ने हिदायत की है कि पीर को केस दस्तयाब बेंच के सामने मुकर्रर किया जाए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने अहकाम जारी कर दिए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी गैर शरई निकाह केस में अदालत में पेश। बुशरा बीबी का फर्द जुर्म के दस्तावेजात पर दस्तखत करने से इनकार। वकील ने कहा 3:40 पर चार्ज फ्रेम किया गया, फर्द जुर्म के वक्त बुशरा बीबी मौजूद ही नहीं थी। अदालत ने बुशरा बीबी के जेल आने और जाने की तफसीलात तलब कर ली। बानी पीटीआई की बच्चों से बात कराने के लिए अदालत में दरख्वास्त मंजूर, केस की समाअत 19 जनवरी तक मुलतवी। पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ खेला जा रहा है, ऐसे इलेक्शन को क्या कौम कबूल करेगी। शाह महमूद कुरैशी की कमरा अदालत में सहाफियों से गुफ्तगू, मेरे कागजात नामजदगी पर एडिशनल सुपरिटेंडेंट आफ्ताब बाजवा ने दस्तखत करवाए थे, 3 दफा दस्तखत किए, यहाँ कैसे ठीक नहीं आए। इमरान इस्माइल को मुलाकात के लिए नहीं कहा, पार्टी के अंदर कोई इख्तलाफ नहीं। पाकिस्तान के दिफा और सालमियत पर सियासी क़यादत मुतहद, सदर ममलिकत आरिफ अलवी की मुसलह अफवाज की पेशा वाराना महारत की तारीफ, कहा पाकिस्तान अपनी कौमी सलामती और इलाकाई सालमियत पर समझौता नहीं करेगा। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कामयाब ऑपरेशन पैगाम हमारी बहादुर मुसलह अफवाज को सलाम पेश करती है। पाकिस्तान ने अमन सलामती के लिए मौजूद सिफारती और फौजी इकदाम किए। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि कार्रवाई से एक दिन कबल इंडियन वजीर खारजा के दौरा ईरान से शकूक व शुबहात में इजाफा हो रहा है। सूरत हाल को बाहमी एतमाद से कंट्रोल ना किया गया तो दुश्मन कुव्वतें फायदा उठा सकती हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा शरी रहमान ने कहा ईरान को हमले पर मुआफी मांगनी चाहिए थी। ख्वाजा आसिफ ने कहा कोशिश करनी चाहिए कि ईरान के साथ ताल्लुकात मजीद खराब ना हो, कशीदगी से बचने की कोशिश करनी चाहिए। साबिक वज़ीर दाखला सरफराज बुगती ने कहा कि पाकिस्तान ने ईरान को मुतअद्दिद बार दहशतगर्दों के बारे में इत्तला दी मगर कोई कार्रवाई नहीं की गई। लोगों को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान ने हमेशा सब्र किया है। पाकिस्तान का ईरान को भरपूर जवाब, साबिक सफारतकारों और दिफाई तजियाकारों का रद्दअमल भी आ गया। साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी का कहना है पाकिस्तान ने ईरान को जवाब देकर साबित कर दिया कि हम भी ऐसा करने की अहलियत रखते हैं। पाकिस्तान की तरफ से ईरान को बेहतरीन जवाब दिया गया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनहास ने कहा दोनों ममालिक को बैठ कर बात करनी चाहिए, ईरान की जानिब से गलती की गई जिसका अजाला करना बाकी है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान बोले ये हैरान कन था, ईरान से इसकी तवक्को नहीं थी, ईरान ने कोई माजरत भी नहीं की। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज कहते हैं पाकिस्तान को रद्दअमल पर मजबूर किया गया, हमने दहशत गर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। अब्दुल्ला गिल बोले पाकिस्तानी फौज ने कभी भी अवाम को मायूस नहीं किया। डॉक्टर कमर चीमा बोले ईरान ने बहुत गलत रास्ता चुना।
अमरीका ने पाकिस्तान में ईरानी हमले की मजम्मत कर दी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है, अमरीका ईरान के पाकिस्तान और इराक पर हमलों की मजम्मत करता है। ईरान ने अपने तीन हमसाया ममालिक की खुद मुख्तार सरहदों की खिलाफ वर्जी की। ईरान खित्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा स्पॉन्सर है। ईरान अपने मुल्क में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का दावेदार है। ईरान की वजह से ही अमरीकी फौज इराक में मौजूद है। उधर चीन की पाकिस्तान और ईरान से तहमुल से काम लेने की अपील। चीनी वजारत खारजा ने कहा कि अमन और इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए दोनों मुल्क मिलकर काम करें। सिंध हाईकोर्ट का कराची में सियासी रहनुमाओं की तस्वीर वाले बैनर्स और होर्डिंग्स हटाने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन और शहरी इंतजामिया को तस्वीर आवेजा करने वाले सियासी रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। जस्टिस नदीम अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि बिलबोर्ड्स और होर्डिंग्स पर जिस सियासी रहनुमा की तस्वीर हो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। हम शहर में आने वालों को क्या बताना चाहते हैं, ये महजब लोगों का शहर है या जंगल? अदालत ने के एम सी और कंटोनमेंट बोर्ड के वकला से मुकालमा करते हुए कहा, शहर को जंगल मत बनाएं, जाएं जाकर अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। अदलिया मुखालिफ नफरत अंगेज मवाद की रोकथाम के लिए जेआईटी का इजलास। एडिशनल डायरेक्टर जनरल एफआईए ने इजलास की सरबराही। सोशल मीडिया पर अदलिया को बदनाम करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का फैसला। हसास इदारों के अफसरान ने प्लान ऑफ एक्शन सरबरा जेआईटी को पेश कर दिया। पीटीआई को नफरत अंगेज मवाद फैलाने वालों की मालूमात इकट्ठा करने की हिदायत। अगले मरहले में अदलिया मुखालिफ मवाद फैलाने वालों की गिरफ्तारियां मुतवक्के। पाकिस्तानी टीम चौथा टी20 मैच खेलने डनेडिन से क्राइस्टचर्च पहुंच गई। दोनों टीमें कल 11:10 पर आमने सामने आएंगी। न्यूजीलैंड को सीरीज में 3-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल। चौथे मैच के तमाम टिकट्स भी बिक गए। ज्यादा छक्के लगने पर कीवी क्रिकेट की शायकीन को मोहतात रखने की हिदायत। सीरीज में ज्यादा छक्के लग रहे हैं, तमाशाई गेंद पर खास नजर रखें। फैंस चुकन्ना रहकर बैठें ताकि गेंद ना लगे। तीसरे मैच में बाबर आजम की शॉट तमाशाई के सर पर जा लगी।